हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं और बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सभी के समक्ष मॉडर्न इंडिया के नेशनल मूवमेंट राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर उपस्थित हूं, जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आइदर पीटी और मेंस में खास करके टिप्पणी वाले सवाल में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली दरबार, या जिसको इम्पीरियल दरबार भी कहा जाता है। दिल्ली दरबार या इम्पीरियल दरबार, और दिल्ली दरबार या इम्पीरियल दरबार का आयोजन 1877 से लेकर 1911 के बीच हुआ, और इस दौरान तीन दिल्ली दरबार के आयोजन हुए। और तीनों दिल्ली दरबार से संबंधित प्रमुख घटनाओं के बारे में ऑब्जेक्टिव्स में तो क्वेश्चंस आते ही हैं, और जब हमारे बिहार लोक सेवा आयोग या अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टिप्पणी के रूप में दिल्ली दरबार लिखने के लिए पूछता है, तो वहाँ भी हमारा पर्पस इतने मटेरियल से सॉल्व हो जाता है। और बीपीएससी के अलावे अनदर जितने भी एग्जाम्स हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो चलिए हम लोग दिल्ली दरबार के बारे में चर्चा करते हैं और देखें कि प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 ईस्वी को हुआ। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 ईस्वी को हुआ, और इस काल में गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन था। तो जब हमारा यह प्रश्न आता है कि किस गवर्नर जनरल के काल में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, तो आपके समक्ष है कि प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लिटन के काल में 1 जनवरी 1877 ईस्वी को हुआ, और इसका उद्देश्य था महारानी विक्टोरिया की भारत की साम्राज्ञी या कैसर ए हिंद घोषित करना। हम सभी जानते हैं कि इस काल तक भारत पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार हो चुका था। हमारे समक्ष हम लोग जानते हैं कि 1757 से 1857 ईस्वी तक भारत पर ब्रिटेन की एक प्राइवेट कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, और 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचारी शासन के विरुद्ध भारतीयों द्वारा पहली बार जबरदस्त आक्रोश व्यक्त किया गया, जिसे 1857 की क्रांति कहते हैं। और क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत की सत्ता बदल गई, और भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सरकार या ब्रिटेन के राजा या क्राउन या ब्रिटेन के संसद के हाथ में चला गया। तो सत्ता परिवर्तन हुआ था भारत में, और इस काल में भारत की साम्राज्ञी के रूप में या कैसर ए हिंद के रूप में महारानी विक्टोरिया को प्रदर्शित करने के लिए, या इनका राज तिलक करने के लिए, या इनको भारत की साम्राज्ञी घोषित करने के लिए या करने के उद्देश्य से प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। और इसका एक उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश सरकार को अधिकांश सत्ता का हस्तांतरण करना, अथॉरिटी ट्रांसफ़र करना। क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि 1857 के अंत तक ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ही सत्ता रही, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सत्ता निकल के ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सत्ता आ गई, तो धीरे धीरे सत्ता हस्तांतरित करना इसका उद्देश्य था। और प्रथम दिल्ली दरबार के आयोजन का एक उद्देश्य यह भी था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सत्ता को ब्रिटिश सरकार के हाथ में हस्तांतरित किया जाए। इसके बाद इसकी एक बहुत ही प्रमुख घटना थी कि इसको घोषणाओं का दरबार कहा जाता है। यह ऑब्जेक्टिव में काफ़ी प्रमुख पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी घोषणाएं की गई थी। इस दरबार को घोषणाओं का दरबार कहा जाता है, और इस दरबार की एक बहुत ही प्रमुख घोषणा थी कि खादी वस्त्र धारण किया हुआ एक व्यक्ति गणेश वासुदेव जोशी
जो पुणे सार्वजनिक सभा की ओर से उपस्थित हुए थे इस दरबार में, पूरे भारत के लोग उपस्थित हुए थे, पूरे भारत के राजे राजवाड़े के लोग उपस्थित हुए थे। पैसे को पानी की तरह बहाया गया था, जबकि पूरा भारत अकाल से त्राही त्राही कर रहा था, फिर भी भारत के कोने कोने से लोग आए थे और पूरे सार्वजनिक सभा की ओर से गणेश वासुदेव जोशी इसमें पार्टिसिपेट किए थे, उपस्थित हुए थे। और इन्होंने निर्भीकता से एक बड़ी अच्छी मांग रखी। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दिल्ली दरबार में किसने निर्भीकता से मांग रखी, तो यह मांग रखी गणेश वासुदेव जोशी ने, जो पुणे सार्वजनिक सभा की ओर से आए थे। और इन्होंने अपनी मांग को पढ़ते हुए कहा कि हम महारानी से प्रार्थना करते हैं कि वे भारत को वही राजनीतिक एवं सामाजिक सत्ता प्रदान करें जैसा कि उनकी ब्रिटिश प्रजा के पास है। इतनी मांग निर्भीकता से करना, मतलब जिस तरह से ब्रिटिश प्रजा स्वतंत्र वातावरण में जीवन जी रही है, उसी प्रकार का स्वतंत्र वातावरण, उसी प्रकार के अधिकार भारतीय नागरिक को भी सौंपे जाएं। इस निर्भीक मांग के लिए गणेश वासुदेव जोशी की काफ़ी तारीफ हुई थी। और इन्होंने निर्भीकता से, बिना किसी भय के, बिना किसी हिचकिचाहट से ब्रिटिश महारानी के समक्ष भरी सभा में यह मांग रखी कि हम महारानी से प्रार्थना करते हैं कि वे भारत को वही राजनीतिक एवं सामाजिक सत्ता प्रदान करें, पॉलिटिकल एंड सोशल अथॉरिटी प्रदान करें जैसा कि उनकी ब्रिटिश प्रजा के पास है। यानी जिस प्रकार ब्रिटेन की प्रजा स्वतंत्र वातावरण में जीवन जी रही है, खुले वातावरण में जीवन जी रही है, विभिन्न प्रकार के नागरिक और सामाजिक अधिकारों का उपभोग कर रही है, उसी प्रकार के अधिकार भारतीय प्रजा को भी दी जाए। और गणेश वासुदेव जोशी की जो यह निर्भीक मांग थी, इसके बारे में विद्वानों का कहना है कि यह भारत में महान परिवर्तन का आरंभ था, क्योंकि भारतीयों ने मांग कर दिया कि भारतीयों को भी स्वतंत्र वातावरण में जीने का अधिकार दिया जाए। इसी पर विद्वानों ने कहा है कि यह भारत में महान परिवर्तन का आरंभ था। यहाँ से क्लियर हो गया था कि भारत में बड़ा परिवर्तन होने वाला है और इसमें स्वतंत्र भारत का अभियान औपचारिक तौर पर आरंभ हो गया था, क्योंकि गणेश वासुदेव जोशी की मांग से सहज स्पष्ट थी कि इन्होंने इस बात का संकेत दे दिया था कि भारत की प्रजा अब स्वतंत्र वातावरण में सांस लेना चाह रही है। इसलिए कहा जाता है कि प्रथम दिल्ली दरबार एक नवीन भारत की शुरुआत की आरंभिक बिंदु थी और स्वतंत्र भारत के अभियान का औपचारिक तौर पर आरंभ यहीं से हुआ था। और एक ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट से बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में आज भी ये जो विक्टोरिया के संदेश हैं प्रथम दरबार के, ये सुरक्षित हैं। तो ये सभी प्रमुख घटनाएं बच्चा लोग प्रथम दिल्ली दरबार की हैं, जिनमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी सवाल बनेंगे। अब देखते हैं द्वितीय दिल्ली दरबार को। जो द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 ईस्वी में हुआ, इस काल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था और इसका उद्देश्य था ब्रिटेन के महाराज एडवर्ड सप्तम एवं महारानी अलेक्जेंड्रा को भारत का सम्राट एवं सम्राज्ञी घोषित करना। एक्चुअली क्या है कि जब ब्रिटेन में सम्राट और सम्राज्ञी बनते थे तो भारत में भी तो उन्हीं का अधिकार होता था। जब भारत के भी ये सम्राट और सम्राज्ञी हैं, इसी घोषणा के लिए दिल्ली दरबार के आयोजन किए जाते थे। और द्वितीय दिल्ली दरबार का उद्देश्य एडवर्ड सप्तम एवं महारानी अलेक्जेंड्रा को भारत का सम्राट एवं सम्राज्ञी घोषित करना था। हालांकि यह दुखद है, इसमें एडवर्ड सप्तम स्वयं नहीं आए थे, बल्कि इन्होंने अपने भाई ड्यूक ऑफ कर्नाट को भेजा। इस बात से लॉर्ड कर्जन काफ़ी दुखी हुआ था। इसने काफ़ी बहुत भव्य, मैंने इससे बड़ा भव्य दरबार न तो पहला था ना ही तीसरा था, और काफ़ी खर्च किया था लॉर्ड कर्जन ने। पूरी व्यवस्था कर दी थी, शानो शौकत की ऐसी व्यवस्था भारत में कभी हुई नहीं,
न प्रथम दरबार में न तृतीय दरबार में, और इस दरबार में लॉर्ड कर्जन को जब पता चला कि स्वयं एडवर्ड नहीं आ रहे हैं तो वह काफ़ी फ्रस्ट्रेट हुआ, और एडवर्ड ने अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने भाई ड्यूक ऑफ कनाड को भेजा। और जैसा कि हम लोगों ने बताया कि यह इस दरबार का आयोजन लगभग 2 सप्ताह तक चला, और इसमें पैसे को बिल्कुल पानी की तरह बहाया गया। नृत्य संगीत, कई प्रकार के बैंड बाजा, कई प्रकार के आयोजन। कहा जाता है कि इस दरबार में स्वयं लॉर्ड कर्जन और लेडी कर्जन भी मयूर ड्रेस पहन के नाच रहे थे। काफ़ी पैसा को बहाया गया था, तो ध्यान रखेंगे कि यह लगभग 2 सप्ताह तक चला, और शान और शौकत अन्य दोनों से काफ़ी अधिक थी। अन्य दोनों का मतलब प्रथम और तृतीय। तो यह सबसे अधिक शान और शौकत वाला दरबार हुआ करता था, और द्वितीय दरबार की भव्यताओं को केवल दरबार में ही नहीं रही, उसका चलचित्र बनाया गया, उसका वृत्तचित्र बनाया गया, स्मृति वृत्तचित्र चलचित्र बनाया गया, और द्वितीय दरबार की भव्यताओं से संबंधित चलचित्र भारत के सिनेमा घरों में कई दिनों तक दिखाए गए। और कहा जाता है, विद्वानों का मानना है कि विद्वानों के अनुसार संभवतः यहीं से देश में आरंभिक फिल्म, यही जो चलचित्र बना करके सिनेमा घरों में कई दिनों तक प्रदर्शित किया गया, यहीं से फिल्म उद्योग का आरंभ माना जाता है। और फिल्म उद्योग का आरंभिक कारण यही घटना हुआ, यही घटना थी जो चलचित्र बना करके विभिन्न सिनेमा घरों में प्रदर्शित किया गया था। तो ये द्वितीय दिल्ली दरबार की घटनाएँ थी। तृतीय दिल्ली दरबार को देखें तो तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 में हुआ था, और इस काल में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था, और इसका उद्देश्य था महाराजा जॉर्ज पंचम तथा महारानी मेरी को भारत के सम्राट एवं साम्राज्ञी, मेरी का भारत के सम्राट एवं साम्राज्ञी के रूप में राज तिलक करना। जैसा कि हमने चर्चा किया, हम लोग जानते हैं कि ब्रिटेन का सम्राट और साम्राज्ञी भारत का भी सम्राट और साम्राज्ञी होता था, तो उसको भारत के लोग अपना, उसके प्रति अपनी लॉयल्टी व्यक्त करने के लिए, राजभक्ति व्यक्त करने के लिए दिल्ली दरबार में उपस्थित होकर उनके राज तिलक समारोह में ये पार्टिसिपेट करते थे, और उनको भारत का सम्राट और साम्राज्ञी के रूप में स्वीकार करते थे। तो प्रथम दरबार में महारानी विक्टोरिया के लिए, द्वितीय दरबार एडवर्ड सप्तम एवं महारानी अलेक्जेंड्रा के लिए, और तृतीय दरबार महाराजा जॉर्ज पंचम तथा महारानी मेरी को का भारत के सम्राट एवं साम्राज्ञी के रूप में राज तिलक करने, या इनको भारत का सम्राट और साम्राज्ञी घोषित करने के लिए आयोजित किया गया था। और इसमें भी भारत के कोने कोने से सम्राट या राजा महाराजा राजे रजवाड़े के लोग उपस्थित हुए। इसके बाद यह, इसकी बहुत ही प्रमुख विशेषता थी कि यह एकमात्र दरबार था जिसमें सम्राट पंचम स्वयं आए थे। इससे पहले किसी में ना तो एडवर्ड सप्तम आए थे, ना ही महारानी अलेक्जेंड्रा आई थी, ना ही प्रथम में विक्टोरिया आई थी, और केवल तृतीय दरबार ही पहला दरबार था जिसमें सम्राट स्वयं आए थे। और यह एक, जैसा कि देख रहे हैं आप, कि यह एकमात्र दरबार था जिसमें सम्राट स्वयं भारत आया था, और इसमें सम्राट ने भारत का इंपीरियल मुकुट पहना, 8 मेहराबों वाला इंपीरियल मुकुट था, जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, जब डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर जब आपको टिप्पणी में लिखना हो लॉन्ग में, तो आपके पास तो मटेरियल होना चाहिए। तो इस दरबार में सम्राट ने भारत का इंपीरियल मुकुट पहना जिसमें 8 मेहराब थे, और महारानी को दिल्ली दरबार मुकुट के नाम से एक मुकुट भेंट किया गया। सम्राट जॉर्ज परचम ने 8 मेहराबों वाला इंपीरियल मुकुट तो पहना ही इस दरबार में, और महारानी के लिए भी एक विशेष मुकुट जिसका नाम था दिल्ली दरबार मुकुट, उसको उपहार में दिया गया। और इस दिल्ली दरबार मुकुट में बड़ा ही कीमती हीरा, जिसको जो कुलिनैन हीरा है, कुलिनैन हीरा का एक कटा हुआ भाग,
कहा जाता है कि कुलीनैन हीरा के 9 कटे हुए भाग थे, 9, जिनमें से एक कटा हुआ भाग इसमें लगा हुआ था, एक छोटा सा टुकड़ा इम्पीरियल कुलीनैन हीरा का। इस दरबार में भी काफ़ी भव्यता थी और सम्राट जॉर्ज पंचम स्वयं आए थे और इन्होंने इम्पीरियल मुकुट को पहना ही और साथ साथ महारानी के लिए भी दिल्ली दरबार मुकुट के नाम से एक विशेष मुकुट प्रस्तुत किया गया, उपहार में भेंट दिया गया महारानी को, जिसमें कुलीनैन हीरा जो काफ़ी महंगा हीरा था, चर्चित हीरा था, का एक टुकड़ा लगा हुआ था। और इस दरबार में, इस दरबार की एक और घटना ध्यान में रखें कि दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में आयोजित हुआ था दरबार, और इस दरबार में 3 प्रमुख घोषणाएं की गई थी जो काफ़ी ऐतिहासिक थी। तृतीय दिल्ली दरबार में 3 प्रमुख घोषणाएं की गई थी जो काफ़ी ऐतिहासिक थे, जिनमें प्रथम घोषणा बंगाल विभाजन को रद्द करना। आप सभी जानते हैं कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन कर दिया गया था और बंगाल विभाजन के कारण जबरदस्त आंदोलन शुरू हुआ, बंग भंग, और इसके बाद स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ। तो अंततः सरकार ने मजबूर होकर के बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। तो जब यह प्रश्न हमारे सामने आता है कि कब या किस दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि तृतीय दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई, और इसकी दूसरी प्रमुख घोषणा अपने बिहार प्रांत से संबंधित थी। हम सभी जानते हैं इस समय तक हमारा बिहार बंगाल प्रांत का ही अंग था और बिहार के लोगों द्वारा, बहुत बुद्धिजीवियों द्वारा लगातार बिहार को बंगाल से स्वतंत्र करने की मांग की जा रही थी। इनफैक्ट बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन जो चला, उसमें एक मांग यह भी रहता था बिहारियों का, चूँकि इस काल तक बिहार बंगाल का ही भाग था, तो इसी आंदोलन के दौरान बहुत से बिहारी बुद्धिजीवी पत्र पत्रिकाओं ने लगातार बिहार को बंगाल से अलग करने की मांग की थी। तो इसका, इस मांग का काफ़ी प्रभाव पड़ा और इसी के प्रभाव स्वरूप तृतीय दिल्ली दरबार में बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा की गई। और तीसरी घोषणा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। अभी तक भारत की राजधानी कलकत्ता ही हुआ करती थी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कलकत्ता मुख्य व्यापारिक नगर अंग्रेजों का था, इनके ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय भी हुआ करता था, लंबे समय तक रहा। और 1911 के तृतीय दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। और अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद रखें कि तृतीय दिल्ली दरबार में 3 घोषणाएं हुई, बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है, बिहार को बंगाल से अलग किया जाता है, तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाती है। और इन तीनों घोषणाएं, ये तीनों घोषणाएं 1911 में जरूर की गई, लेकिन 1911 में केवल पहली घोषणा ही लागू हुई और बाकी की जो दोनों घोषणाएं थी, यानी बिहार को बंगाल से अलग किया जाता है तथा भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाती है, ये दोनों घोषणाएं हुई तो 1911 में, लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन, इनका प्रवर्तन, या ये दोनों घोषणाएं 1912 में लागू हुई। और ये ऑब्जेक्टिव में जब प्रश्न आते हैं कि घोषणाएं कब की गई, तो 1911 में, लागू कब हुई, तो 1912 में, केवल एक ही घोषणा 1911 में लागू हुई, बाकी की दोनों घोषणाएं 1912 में लागू हुई। तो मेरा विश्वास है कि राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित इस महत्वपूर्ण टॉपिक को आप समझे होंगे, और अगर आपने इसको ठीक से देखा होगा, भी ठीक से सुना होगा, या वीडियो को आप 2-3 बार ठीक से सुने, तो मेरा विश्वास है कि आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी सवाल आपके बनेंगे। और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें,
वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि इसी प्रकार के उपयोगी वीडियो आप तक पहुंचते रहे। पुनः इसी प्रकार के उपयोगी सामग्री को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।